हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट मूली के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही बेसिक मसालों का यूज़ किया है इसमें मैंने। तो स्टार्ट कर लेते हैं मूली का अचार बनाना। मूली का बहुत ही सिंपल सा अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मूली ले ली है और उसका मैंने छिलका हटाकर मूली को धोकर और उसके इस तरीके से मैंने पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो कैसे भी पीसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लंबे लंबे पतले पतले पीसेस किए हैं और सबसे पहले इसमें हम नमक डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच के करीब इसमें नमक डाल रही हूँ और हल्दी का पाउडर डालेंगे। तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर हल्दी का पाउडर डाला है और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। यहाँ पर मैं हरी मिर्च, गाजर या फिर किसी और चीज का यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मूली का बना रही हूँ। आप चाहें तो साथ में हरी मिर्च और गाजर भी डाल सकते हैं सेम प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे मैं ढक कर रख दूंगी रात भर के लिए और फिर अगले दिन इसका अचार बनाएंगे हम। या फिर आप इसे 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं, जब मूली का पानी रिलीज हो जाएगा तब हम पानी से अलग करेंगे मूली को और इसके इसमें फिर मसाले मिलाएंगे। तो मैं इसे रात भर के लिए ढककर रख दे रही हूँ। मूली को रखे हुए रात भर हो चुका है और देखिए काफी सारा पानी मूली से रिलीज हो गया है। तो अब पानी निकाल लेते हैं मूली से। तो एक बोल लेके एक छलनी लगाकर इसके ऊपर हम मूली डाल देंगे ऐसे, ताकि सारा पानी निकल जाए और 10 मिनट बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मूली से पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। और ये देखिए काफी पानी निकला है मूली से। जब तक मूली से पानी अलग हो रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में मैं यहां पर ले रही हूं 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो बिल्कुल बेसिक मसालों का यूज कर रही हूं जो कि घर पे आसानी से मिल जाते हैं सभी के। लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ, आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। हल्दी का पाउडर 1/4 चम्मच, क्योंकि हल्दी हमने पहले से डाली हुई है तो बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। नमक भी हमने पहले से डाला हुआ है तो नमक भी हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच से के आसपास मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ और साथ में 1 चम्मच काली सरसों का पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पर पीली सरसों का पाउडर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सरसों तेल को गरम करके ठंडा कर लिया है तो वो इसमें डाल लेते हैं। तो तेल भी ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये अचार जो मैं बना रही हूँ 10 से 15 दिन रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको ज्यादा टाइम रखना है तो इसमें आप तेल का यूज आपको ज्यादा करना होगा। तो ये इस अचार को आप फ्रिज में रख के 10 से 15 दिन आराम से खा सकते हैं। और तेल डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर, व्हाइट विनेगर लेंगे और 3 चम्मच के करीब इसमें मैं व्हाइट विनेगर डाल रही हूँ और सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। इस अचार को बनाने में बिल्कुल बेसिक मसालों का यूज किया है मैंने, सभी के पास ये मसाले अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर सभी चीजों को मैंने मिला लिया है और मूली से भी पानी निकल चुका है। तो अब हम मूली को इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मूली के पानी को सुखाने के लिए उसे ट्रे पर नहीं फैलाया, जितना छलनी में से निकल गया पानी बस उतना ही मैंने निकाला है और उसमें डायरेक्ट डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसे। ये अचार आप 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं होगा और बनाने में भी आसान है, कोई भी इसे बहुत आसानी से बना सकता है, क्योंकि इसके मसालों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सारे मसाले घर पर आसानी से मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने मूली को रात भर रखा है, अगर आप 2 घंटे भी रखेंगे तो मूली में से पानी आराम से रिलीज हो जाता है बहुत अच्छे से। तो आप 2 घंटे में भी ये अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मूली का अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। आप किसी कांच के कंटेनर में या फिर फूड ग्रेड किसी भी कंटेनर में रखकर इस अचार को 10 से 15 दिन आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस मूली के अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी सर्दियों का समय है और मूली काफी मार्केट में आई हुई है। तो आप इस अचार को जरूर बना सकते हैं और मेरे साथ कमेंट करके भी शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।